हमें अपने यूजुअल सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना था, क्योंकि आज एक फिर से बहुत बड़ा मुद्दा प्रकाश में था कल से, और आज उस पर निर्णय आना था। निर्णय आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह निर्देश दिया है कि अयोध्या की वह जमीन जिसके ऊपर विवाद था और वह विवादित ढांचा, जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा में या न्यायिक प्रक्रिया में इसी शब्द का इस्तेमाल सदा किया गया है, विवादित ढांचा, वह विवादित ढांचे से जुड़ी हुई जमीन जिसके टाइटल को लेकर के सूट डला हुआ था, तो ये एक तरह का लैंड डिस्प्यूट सूट था जिसके ऊपर, टाइटल के ऊपर सूट था कि वो किसका है, उस पर निर्णय आ चुका है। जमीन किसको दी गई है, किसकी क्या दलीलें थी, किन्हें एक्सेस माना है जजमेंट का, यानी कि किन्हें आधार माना है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट का, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बाबर के आने से लेकर निर्णय के आने तक की हम पूरी गाथा आपको सुनाएंगे, कब क्या डिस्प्यूट हुआ, उस पर क्या रंग चढ़ा और किसने कैसी राजनीति की। बाबरी मस्जिद हो और उसका विध्वंस हो, राम लल्ला की मूर्तियों का प्रकट हो जाने का वह पूरा का पूरा किस्सा, और कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बना, ये सब हम आपको समझाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से हर बारीकियों से चर्चा करते हुए हम भारत के सेकुलर फैब्रिक के ऊपर भी बात करेंगे, संविधान के अंदर इनको लेकर के क्या क्या प्रावधान है उस पर भी चर्चा करेंगे, ताकि अब हर दिशा से उत्तर दे पाए। शुरुआत करते हैं, और शुरुआत यहाँ से होती है कि इस समय जो निर्णय भारत में दिया गया है ये 5 जजेस की बेंच के द्वारा दिया गया था। आपको मैं बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में, यानी कि डिस्क्रिशन में होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस रखने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का किन केसेस में निर्माण करना है, और किस तरह के डिसीजंस जो भी हैं वो स्प्लिट के थ्रू आए, यूनैनिमस आए, ये सब कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनके द्वारा ऑर्गेनाइज होती है। अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय की बात करें 2010 की, वो एक स्प्लिट डिसीजन था जिसमें 2-1 से डिसीजन दिया गया था, 3 जजेस का वो बेंच था। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की बात करें तो ये यूनैनिमस डिसीजन है, 5 के 5 जजेस ने मिलकर के निर्णय लिया है, और इस डिसीजन को पढ़ने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा किया गया है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इन जजेस में 5 जजेस कौन से थे। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो इनमें जो सबसे पहले जज हैं, जिन्हें आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये रंजन गोगोई हैं, जो 17 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। ये आसाम के डिब्रूगढ़ से आते हैं। इनके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एस ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, ये आपके भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, ये नागपुर से आते हैं। अगर हम अगले बात करें तो नेक्स्ट है अब्दुल नज़ीर, ये कौन है, ये कर्नाटका से आते हैं। अगर हम अगले बात करें तो ये है अशोक भूषण, ये कहाँ से आते हैं, ये जौनपुर से आते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये हैं DY चंद्रचूड़, ये कहाँ से आते हैं, ये मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, ये धनंजय चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ का फुल फॉर्म है। उनके पिता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रह चुके हैं। और DY चंद्रचूड़ की अगर हम बात करें तो ये हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। ओके, ये 5 जजेस की बेंच ने निर्णय लिया है, और 5 का डिसीजन यूनैनिमस था, इसमें कोई स्प्लिट डिसीजन नहीं आया है। डिसीजन में यह निर्णय आया है कि 2.77 एकड़ लैंड जिसके ऊपर डिस्प्यूट था वो राम लल्ला विराजमान को दिया जाता है, और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड जो सूट फाइल करने वाला एक पार्टी थी उनको मस्जिद के लिए, जहां पर मस्जिद थी उस विवादित ढांचे के ढह जाने के बाद, अब उनको 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। ज़मीन या तो उसी 67 एकड़ जगह में दी जाएगी जो कि 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड से अलग लैंड है। ये टोटल लैंड समवेयर अराउंड 70 एकड़ हुआ करता था, जिसमें से 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड था, रेस्ट 67 एकड़ गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अब या तो ये 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद को यहाँ दी जाएगी, या इसके अलावा कहीं भी प्रोमिनेंट एरिया इन द अयोध्या में इशू की जाएगी। तो ये क्लियर हो जाता है इस डिसीजन से कि 2.77 एकड़ ज़मीन पर अब सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा नहीं रहा, क्योंकि उन्हें अल्टरनेटिव ज़मीन देने की बात कर दी गई है।
और वो देने का काम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कहेगी, क्योंकि ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है तो ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ही मुहैया करवाएगी और इसे टाइम बाउंड मैनर में करने को कहा गया है कि एट एनी कॉस्ट ये आपको करना ही है। इसके लिए ये कहा गया है कि सरकार अपने विशेष अधिकार शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, मतलब जो स्पेशल पावर एट द डिस्पेंस ऑफ द गवर्नमेंट है उन्हें यूज़ कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ लैंड एलोकेशन। आई बात समझ में? शुरुआत इस तरह से हुई कि शुरुआत होते ही जो टोटल 5 सूट फाइल हो रखे थे उनमें से एक सूट पहले ही वापस जा चुका था, 4 सूट बाकी थे उनमें से एक सूट पहले ही कैंसिल कर दिया गया, और वो ये था कि शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा ये कहा जाता था कि ये मामला सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं बनता, इस ज़मीन पे इस मस्जिद पर हमारा अधिकार बनता है क्योंकि मीर बाकी शिया था। और शुरुआत में ही डिसीजन देने के समय ही सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 5 जजों के हवाले से आते ही शिया वक्फ बोर्ड का सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऊपर फाइल यह सूट खारिज कर दिया और शिया वक्फ बोर्ड का किस्सा यहीं पर ख़त्म हुआ। अब मामला ये रह जाता था कि आगे अब बाकी के जो 3 सूट थे उनके ऊपर क्या डिसीजन आना है। डिसीजन लेकर के आएंगे, चलो इतिहास में चलते हैं तभी डिसीजन समझ आएगा। बाबर, बाबर कौन था? बाबर ने 1526 में इंडिया में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल रूल और द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। बाबर, अगर हम बाबर की बात करते हैं तो ये 4 साल तक भारत में रहा, 1526 से 1530 तक। ये सेंट्रल एशिया से भारत आए और ये 1206 में मंगोल चंगेज खान, जिसका उदय मंगोलिया से हुआ था, उन्हीं के वंशजों में काउंट होते हैं। ये माता की तरफ से, अपनी मदर की तरफ से मंगोल चंगेज खान से आते हैं और अपने फादर की साइड से ये तैमूर से आते हैं, यानी कि फादर लीनियज में ये तैमूर थे और मदर लीनियज में ये चंगेज खान से आते थे। एक बहुत ही प्रोमिनेंट वॉरियर ट्राइब के तौर पर इन्हें जाना जाता था। ये भारत आने से पहले समरकंद की सत्ता पर काबिज थे, लेकिन वहाँ पर अपने ही दूसरे साथी क्लैन अजबेक्स के साथ फाइट की वजह से इन्हें भारत आना पड़ा, कोई और जगह बाकी नहीं थी। हमारे मिडिवल इंडिया के लेक्चर्स में से डिटेल में बताया गया है। भारत आने पर उस समय की भारत की परिस्थितियां पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर छिन्न भिन्न चल रही थी। इंडिया पॉलिटिकली डिवास्टेटेड था और लोधी डायनेस्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी। ऐसे में इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत के युद्ध मैदान में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जाता है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और पानीपत के इस पहले युद्ध में एक तरफ से इब्राहिम लोधी, दूसरी तरफ से बाबर है, बाबर को विजय प्राप्त होती है और दिल्ली की सत्ता पर मुगल झंडा फहराता है। तब से लेकर के बाबर, बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगज़ेब। 1707 औरंगज़ेब का अंत होता है और द ग्लोरियस मुगल, द गोल्डन मुगल और द पावरफुल मुगल ख़त्म होते हैं और शुरू होते हैं लेटर मुगल बहादुर शाह से, जिसका आज जिक्र हम नहीं करेंगे। जब हम बाबर की बात करें तो यहाँ के मौसम, यहाँ के प्रकृति से वो बहुत खुश नहीं था। गर्मी बहुत थी, सेंट्रल एशिया के तापमान के मुताबिक यहाँ पर तापमान अधिक था, टेम्परेचर बहुत था, इसलिए वो कम समय में ही वापस चला गया। बाबर ने भारत का विस्तृत वृत्तांत दिया है और वह वृत्तांत में, वो बाबरनामा में बहुत सी चीज़ें लिखता है जिसमें उसने ही ये बताया है कि भारतीय लॉयन क्लॉथ पहनते हैं, ये बड़ी बात है। पेड़ पौधे वनस्पति वातावरण ऋतुओं के अलावा उन्होंने और बहुत सी भारतीय खान पान वेशभूषा के बारे में, ड्रेसिंग सेंस और कस्टम कल्चर मैनर के बारे में बताया है। उन्हीं के राजकाल के तहत यह माना गया कि उनके एक जर्नैल, जिन्हें कि आप गवर्नर कहते हैं, मीर बाकी जो कि शिया थे, उन्होंने 1528 में अयोध्या की इसी विवादित ज़मीन में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, क्योंकि शासक बाबर था तो नाम बाबरी मस्जिद हुआ। इस बात की पुष्टि, इस बात की टेस्टिमनी ये है कि ये बाबर के टाइम में बनी और मीर बाकी ने बनाई, वहाँ पर लगी हुई इंस्क्रिप्शन, बाबरी मस्जिद में इंस्क्रिप्शंस हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है कि ये बाबर ने ही बनाई हैं। ओके, ये उनके समय में बनवाई गई है। अब समय आगे बढ़ता है, दिक्कत कहां पर आई? ऐसा कहा जाता है कि उस जमीन पर बाबरी मस्जिद बन जाने के बावजूद भी
हिंदुओं ने वहां पर पूजा अर्चना और परिक्रमा करना छोड़ा नहीं, वो वहां पर पूजा अर्चना और परिक्रमा करते रहते थे, जिसकी वजह से लगातार टेंशन का एटमॉस्फेयर हिंदू मुसलमानों में बना रहता था। अचानक से 1856 के अराउंड पहली बार आपको दंगे नज़र आते हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, अयोध्या के परिसर को, इस मस्जिद के परिसर को लेकर के। लगातार हिंदू वहां पर प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के अंदर नहीं लेकिन बाहर, और परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम्स को इस बात पर प्रॉब्लम है, हिंदुओं को प्रॉब्लम है, ऐसे में डिस्प्यूट है। और इस डिस्प्यूट के तहत सबसे पहले 1859 ही वो समय है जब अंग्रेज़ों के द्वारा यह निर्णय ले लिया जाता है कि इस पूरे की पूरी साइट में जो इंटरनल कोर्टयार्ड एरिया है वहाँ पर एक रेलिंग लगा दी जाएगी। उस रेलिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर मुस्लिम अपने रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, वर्शिप ऑफर करेंगे, और रेलिंग के बाहर हिंदू अपनी वर्शिप ऑफर करेंगे। रेलिंग के बाहर राम चबूतरा और सीता रसोई, ये दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये दलील देते पाया गया है अपनी इस बार की रूलिंग में, राम जन्मभूमि के डिस्प्यूट में राम लल्ला विराजमान को मस्जिद देते हुए, कि ये प्रमाणित होता है कि उसी पर्टिकुलर साइट, उसी पर्टिकुलर लोकेशन जो सेंट्रल डोम के नीचे है, मस्जिद के तीन डोम थे, उसका जो सेंट्रल डोम था, ऐसा माना गया कि उसी के अंदर सेंक्टम था, गर्भगृह थी जहां पर रामलला विराजमान थे, और उसी पर्टिकुलर स्पॉट को शुरू से ही हिंदूज रेवर करते थे, सम्मान देते थे। इसलिए राम चबूतरा और सीता रसोई होते हुए भी मैंने मुस्लिम बोल दिया, उसी को हिंदू रेवर करते थे, इसलिए राम चबूतरा और सीता रसोई होते हुए भी हिंदू रेलिंग के पास जाके पूजा करते थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यह कहा गया है कि यह प्रमाणित होता है, हिंदू पक्ष ये साबित करने में सफल हुआ कि वो सेंट्रल डोम ऑफ द टॉम ऑफ द मस्जिद ऑफ द मॉस्क्यू, उसके नीचे ही उनकी आस्था थी, इसलिए वो राम चबूतरा और सीता रसोई में कंसंट्रेट ना हो करके वो रेलिंग के पास जा करके, जैसे हम कहीं से दूर से खड़े होकर के प्रेयर्स ऑफर करते हैं, वो इस तरह से प्रेयर ऑफर करते थे, वो अंदर की तरफ देखते थे। और इसके प्रमाण पाए गए हैं, प्रमाण में ट्रेवलॉग्स मिलते हैं, प्रमाण में लोगों की टेस्टिमनीज मिलती हैं। फिर हिंदू पक्ष के साक्ष्यों ने, टेस्टिमनीज ने ये हामी भरी है, ये टेस्टिमनी दी है कि यह लगातार हिंदू राम चबूतरे और सीता रसोई में पूजा करते रहे हैं, हिंदुओं ने कभी भी ये साइट को वेकेंट नहीं छोड़ा। मतलब ये तो हिंदू मुस्लिम पक्ष के द्वारा भी प्रमाणित कर दिया गया बयानों के साक्ष्य देकर के, टेस्टिमनी के थ्रू, कि वो पर्टिकुलर एक जो साइट है वो पूजनीय तो रही है हिंदुओं के लिए। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से भी एक पॉइंट पर उनकी तरफ से लड़ने वाले वकील मिस्टर धवन के द्वारा एडमिट कर लिया गया था कि राम चबूतरे और सीता रसोई को लेकर के तो हमारा डिस्प्यूट है ही नहीं, वहाँ पर हिंदुओं को पूजा करते हैं कर रहे, कोई वहाँ से तो डिस्प्यूट है ही नहीं, ये सेंट्रल डोम और ये जो विवादित जो मॉस्क्यू रीजन है इसको लेकर के हमारा डिस्प्यूट है। तो ये तो प्रमाणित था कि वहाँ पर पूजा होती है। अब परिवर्तन कहाँ पर आते हैं, ये बड़ी बात है। परिवर्तन ये आते हैं कि 1857-58 के बाद जब ब्रिटिशर्स के द्वारा ये चेंज कर दिया गया, एंट्रेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, एंट्रेंस सेम था, इंटरनल कोर्टयार्ड जो है उसको डिवाइड कर दिया गया, आपने रेलिंग लगा दी, एक इंटरनल रीजन एक आउटर रीजन, लेकिन हिंदुओं की आस्था हमेशा इंटरनल रीजन से जुड़ी रही और वो उसकी तरफ हो करके उसको देख करके पूजा करते रहे। ऐसे में थोड़ा समय आगे बढ़ने पर एक पर्सन संत रघुवर दास, जो कि निर्मोही अखाड़े से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक याचिका लगाई। अब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स के पास लगेंगी, 1883 से लेकर के 1885-86, कभी ये सिटी मैजिस्ट्रेट के पास, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, फिर फैजाबाद कोर्ट में 1885 फैजाबाद कोर्ट में, फिर ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द अवध के पास, इस तरह से सबके पास ये लगते रहेंगे, अर्जियां लगाई जाएंगी। रघुवर दास इनके द्वारा अर्जियां यही लगाई जा रही थी कि हमें राम चबूतरे और सीता रसोई इन जगहों पर थोड़ा सा निर्माण करने की कोशिश, आज़ादी दे दी जाए कि हम राम चबूतरे सीता रसोई इन चीज़ों में कंस्ट्रक्शन कर लें और यहीं पर अपनी वर्शिप्स ऑफर करते रहें। लेकिन 1883 में जब इनके द्वारा यह अर्जी लगाई गई मजिस्ट्रेट के पास, तो हिंदू उस समय जो जजमेंट हिंदू जज के द्वारा दिया गया था कि अगर इतनी पास आपको
वो जो मस्जिद के बिल्कुल बगल में राम चबूतरे में अगर आप निर्माण करेंगे, ये इतनी पास है दोनों कि आपके घंटे, शंख और बाकी पूजा या अर्चनाएं जब भी होंगी, ये उनकी प्रोसेस में और उनके प्रोसेस आपके प्रोसेस में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, ये डिस्प्यूट का बेस हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं अलाउ नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के नाम है, मिस्टर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिस्टर यंग का नाम यहाँ पर आता है। केस फिर से 1885 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गया, वहाँ से डिसीजन ये निकल करके आया। उन्होंने कहा कि ये हम मानते हैं, जजमेंट में ये है कि उस समय में बाबर के द्वारा बहुत ही दयनीय प्रयास किया गया कि उन्होंने फेथ को रूथलेसली ख़त्म करके मंदिर को ढहा करके मस्जिद का निर्माण करने का काम किया गया है। लेकिन अब ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया है, 300 साल से ऊपर हो गए हैं, अब इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह का निर्णय दोबारा भी दिया गया, ये कहा गया कि हम ये बात मानते हैं कि बहुत ही गलत हरकत बाबर के समय में की गई है, हिंदुओं की आस्था को छिन्न भिन्न करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन चूंकि अब किसी के पास भी वह कागज़ नहीं है, ज़मीन का मलिकाना हक नहीं है, तो आपके पास भी नहीं है, इसलिए हम आपको निर्माण का आदेश नहीं दे सकते। मतलब अंग्रेज़ों के समय में किसी भी वजह से उन्होंने टाल दिया निर्माण, मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी, यह याद रखिएगा। ठीक है, समय आगे बढ़ा, दंगे रुके नहीं, दंगे बड़े पैमाने पर 1934 में भी हुए, इसी तरह से राइट चलते रहे, लेकिन अचानक से राजनीति बदल गई। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से 1937 में ही भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बन गई थी, राज्यों की सरकारें बन चुकी थी। इसके तहत कांग्रेस अधिकतर राज्यों में जीती थी और 1939 में जबरन ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को वर्ल्ड वार टू में इंडक्ट कर लेने की वजह से कांग्रेस ने उन सरकारों से अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, जिसको मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया था मुस्लिम लीग ने कि कांग्रेस से मुक्ति मिली, इसलिए ये सरकारें तो थी, लेकिन ये बर्खास्त हो गया जब 1939 का वर्ल्ड वार टू हुआ। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुआ 1945 में यह सरकारें फिर से कार्य करने लगी। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय में देश में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, जो संविधान सभा 9th दिसंबर 1946 को पहली बार मिली थी। 11th दिसंबर 1946 को इसे अपना परमानेंट प्रेसिडेंट मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13th दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रमोट किया जवाहरलाल नेहरू ने। यही संविधान सभा पर जिम्मेदारी थी कि ये जब संविधान बनाने का काम करेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, और जब देश में कानून बना करके देश चलाने का काम करेगी तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। यानी कि देश में जब तक 1952 के जनरल इलेक्शंस के तहत पहली बार इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं मिल गई है, तब तक इसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने देश में कानून बनाने का काम किया। तो इसी असेंबली से आने वाले मेंबर्स सरकार बनाते थे, जिन्हें हम उस समय की अंतरिम गवर्नमेंट कहते थे, द इंटरिम गवर्नमेंट। इस अंतरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जी पहले ही अंतरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री बन चुके थे, वो इलेक्टेड प्रधानमंत्री 1952 के बाद बने हैं, 1952 के बाद। लेकिन इस समय में राज्यों में चुनाव के माध्यम से सरकारें थीं, और उसके तहत गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में 1947 की आज़ादी के बाद देश में विचारधाराओं की उत्पत्ति के आधार पर कई विचारधाराओं का जन्म था। ऐसे में समाजवादी सोच, सोशलिज्म, समाजवादियों ने खुद को अलग कर लिया कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में, और इन समाजवादियों के नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव, ये बड़ी बात है। जब आचार्य नरेंद्र देव उनके नेता के तौर पर थे और इन समाजवादियों ने खुद को चलती हुई सरकार से, कांग्रेस से अलग कर दिया, तो नेचुरल सा एस्पेक्ट ये है कि बाय इलेक्शंस होने भी तय हैं, सीटें खाली, अयोध्या सीट पर बाय इलेक्शन होना था। ऐसे में गोविंद वल्लभ पंत किसी भी कीमत पर आचार्य नरेंद्र देव को ख़त्म कर देना, हराना चाहते थे। ऐसे में उनके द्वारा संत समाज से एक पर्सन उठाया गया, संत राघव दास,
और जब इन्हें उठाया गया, इन्हें अयोध्या के बाय इलेक्शन सीट पे आचार्य नरेंद्र देव के ऑपोजिट खड़ा किया, इनकी पोस्चरिंग कराई कांग्रेस ने, और आचार्य नरेंद्र देव क्योंकि समाजवादी है ना, समाजवादी सोशलिज्म रशिया कम्युनिज्म ये थोड़ा एथीस्ट होता है अप्रोच, थोड़ा एंटी टेम्पल, थोड़ा सोशलिस्टिक कंसेप्ट पे ज़्यादा बात करते हैं, तो आचार्य नरेंद्र देव की पोजीशन लोगों में बनाई गई कि ही इज़ एंटी राम, और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट अयोध्या में जितवाना चाहा, कांग्रेस का कैंडिडेट अयोध्या बाय इलेक्शन में जीत गया, और कांग्रेस कैंडिडेट जैसे ही अयोध्या बाय इलेक्शन में जीता, कांग्रेस का यही स्टेप राम विवाद, राम जन्मभूमि विवाद को शुरू करने वाला पहला स्टेप माना गया है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद जितना भी संत समाज था यूपी का उत्तर प्रदेश का, उसकी उनकी आशाएं आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं, कौन कौन सी आशाएं आकांक्षाएं नहीं थी जो ना बढ़ी, सब बढ़ गई। उन्होंने बाबरी मस्जिद के जस्ट बाहर जितना भी कब्रिस्तान का इलाका हुआ करता था उसे ऑक्यूपाई करके वहां पे यज्ञ हवन शुद्धि कांड करने शुरू कर दिए, बड़ी तादाद में लोग आए, और ये सब 1949 में हुआ। जब ये बड़े पैमाने पर होने लगा, जवाहरलाल नेहरू ने फोन किया गोविंद वल्लभ पंत को कि ये चल क्या रहा है भाई, ये क्या होगा यहाँ पर अब। उन्होंने कहा कि मैनेज कर लेंगे, आप चिंता मत करिए, अभी सब अंतरिम है, अभी चुनाव हो के आप दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, समझ आई। कहते ठीक, सिलसिला चलता रहा। 1949 में लगातार संत समाज उत्तर प्रदेश के संत समाज के द्वारा सिटी मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, फैजाबाद, अलाहाबाद, इनको अपील दायर करते ही चले गए कि हमें अनुमति दे दीजिए यहाँ पर पूजा अर्चना करने की मंदिर की, लेकिन अनुमतियाँ भी मिल नहीं रही थी। ऐसे में एक पर्सन वहाँ पर खड़े हुए, ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो उस समय में फैजाबाद रीजन के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर थे, के नैयर। इनके सपोर्ट से दो लोग खड़े हुए, एक का नाम अभय राम और एक का नाम परमहंस रामचंद्र दास। अभय राम और परमहंस रामचंद्र दास इन दोनों ने मिलकर के डिस्प्यूटेड लैंड की दीवारें फांध करके अंदर जाके गर्भगृह में राम जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां रख दी, और यह कहानी कही कि यह स्वयं अवतरित हुए हैं, यानी कि राम का अवतरण हो गया। ऐसे में आरोप ये लगे कि उस समय में जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे नैयर, वो मिले हुए थे, और बाद में जाकर के ये पता लगा कि वो संघी थे, आरएसएस और इन आउटफिट से कनेक्शन था उनका, और एक समय के बाद जाकर के बाद में वो लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं और वो जीते भी हैं, उन्हीं कलेक्टर साहब की मैं बात कर रहा हूँ। जब उनको केंद्र से ये नोटिस आया कि भाई फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कर क्या रही थी, अयोध्या में चल क्या रहा था, आपने एक्शंस क्यों नहीं लिए और राम मूर्तियां हटवाई जाएं, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा कराना चाहते हैं पहले हमारा तबादला किया जाए फिर इन्हें हटवा लेना, हम इसे हटाना उचित नहीं समझते, ये बड़ी बात है। ऐसे में हिंदू संगठनों के द्वारा, संत समाज के द्वारा यह आग्रह किया गया मजिस्ट्रेट से कि अब एक बार मूर्तियाँ रख दी गई हैं, इसे हटवाया ना जाए वरना बहुत ख़राब होगा, तो इस बात की फिर अनुमति रही कि स्टेटस को बना रहने दीजिए, मूर्तियां हटाई ना जाए। 1949 के सारे प्रकरण के बाद हर गतिविधि को रोक दिया गया, स्टेटस को कर दिया गया, लेकिन 1950 में गोपाल कृष्ण विशारद, ये एक सूट होल्डर हैं, गोपाल कृष्ण विशारद के द्वारा ये कहा गया कि मुझे पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, मुझे पूजा तो करने दीजिए। इन्हीं के पीछे कौन चले आए, परमहंस रामचंद्र दास, कहते मुझे भी पूजा करने दीजिए। दोनों ने पूजा करने की अनुमति मांगी, पूजा का अधिकार नहीं मिला, स्टेटस को। लेकिन आज के इस डिसीजन में गोपाल कृष्ण विशारद को पूजा की अनुमति मिल गई है। तो आपसे कोई पूछे कि आज निर्णय में एक निर्णय यह भी है कि गोपाल कृष्ण विशारद पूजा कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये मैं आज आपको एक बात बता दूं, तब की लगाई याचिका, आज जाकर के अनुमति मिली है। ओके, पहली बार समय आगे बढ़ा। 1950 के बाद स्टेटस को मेंटेन्ड है, लगातार हिंदू संगठन दबाव बनाते रहे सरकारों के ऊपर, मौजूदा सरकार कांग्रेस की, उसके बाद समाजवादी, कि इन चीज़ों का हल किया जाए, लेकिन हल हो नहीं पा रहा था, मामला अधर में लटका रहा। समय आगे बढ़ा, 1959 निर्मोही अखाड़े ने जमीन की पोजेशन के लिए सूट फाइल कर दिया,
1961 सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन की पोजेशन के लिए सूट फाइल कर दिया, और उन्होंने यहां तक सूट फाइल कर दिया कि अगल बगल के जितने कब्रिस्तान और सारी जमीन है ये सब हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि सीन में पहली बार सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड आ गया 1961। क्यों? सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये कहना था कि भारत में जहां भी मस्जिद और कब्रिस्तान है ये ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड की जमीन होती है, और ये सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन आता है, हमें इस पे पोजेशन मिलना चाहिए। मामला जस का तस बना रहा। 1963 एक और सूट फाइल किया गया, और ऐसे में बाद में एक अचानक से परिवर्तन आ गया कि वह निर्मोही अखाड़ा जो दावा कर रहा था राम चबूतरे, सीता रसोई और बाकी के पूरे बाबरी मस्जिद परिसर पर, ऐसे में एक पर्सन मित्र बन करके आता है रामलल्ला का, यानी कि रामलल्ला अब खुद से ही सूट अप्लायर हैं, वो खुद ही सूट फाइल कर रहे हैं अपना कि मुझे मेरी ज़मीन, मुझे मेरा घर दिया जाए, और किसके थ्रू कर रहे हैं? अपने इमीडिएट फ्रेंड के थ्रू, और उनके फ्रेंड के तौर पर एक शख्स आता है कि रामलल्ला के बिहाफ पे मैं केस फाइल कर रहा हूँ, रामलल्ला अपनी ज़मीन मांग रहे हैं। अब यहाँ पर एक सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है, एक रामलल्ला स्वयं है जिन्हें अब रामलल्ला विराजमान कहा जाएगा, और एक निर्मोही अखाड़ा है, ये तीनों समझने जरूरी थे। आई बात समझ में? सिस्टम आगे बढ़ा। 1975 एमरजेंसी लगा दी गई इंदिरा गांधी के द्वारा। एमरजेंसी के दुष्परिणाम पूरे भारतीय समाज के सामने थे। 1977 इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी चुनाव हारी और उनका बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज से मोह भंग हुआ, उनको लगा कि इन्होंने समर्थन नहीं दिया, स्टांस प्रो हिंदू हुआ, स्टांस चेंज हुआ, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था राजनीति में। आवाज़ें और मुखर हुई कि मंदिर में एंट्री दे दी जाए, ताले खोल दिए जाएं। सिस्टम आगे बढ़ा 1980 ऑनवर्ड्स, बड़े लेवल पर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट लहर खड़ी हो रही थी। जयप्रकाश नारायण मूवमेंट और उनसे प्रेरित बहुत से लोग अब नेता थे, राजनीति में थे, और नए नए राजनेताओं का उदय था। ऐसे में 1984 बिहार से एक रथ यात्रा की शुरुआत होती है। ये वो रथ यात्रा नहीं है जो 1990 में आडवाणी लेके निकले ना, 1984 की इस बिहार की रथ यात्रा को दिल्ली पहुंचना था, उसमें एक रथ सजाया गया जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण बंधे हुए बताए गए कमरे के अंदर। राम, सीता, लक्ष्मण को इन बेड़ियों में बंधे देख, कमरे में कैद देख, लोगों की भावनाएं जाग उठी, लोगों की नई उत्तेजना, भावनाओं का भरपूर उस समय में एक नया आयोजन सजाया गया, दिखाया गया, लोगों की चेतना को जागृत करने की मुहिम में परिवर्तित कर लिया। बिहार से निकलते हुए उत्तर प्रदेश लखनऊ होते हुए बहुत ही भव्य हो चुकी थी, और इसे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन यकायक ही बहुत ही भव्य आयोजन जो दिल्ली में करना था, यकायक ही इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होते ही सारी परिस्थितियां बदल गई, सम्मेलन स्थगित कर दिया गया, सिचुएशन बदल दी गई, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हिंदुओं के हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद RSS अपनी इन एक्टिविटीज के दम पर यह मान रहा था कि बड़े पैमाने पर प्रयास होंगे और हमें अच्छा जन समर्थन मिलेगा, हम चुनाव जीतेंगे। हुआ बिल्कुल उलट। माता के चले जाने की वजह से जो भावनाएं लोगों की जुड़ चुकी थी राजीव गांधी के साथ, सिंपैथी के नाम पर अब तक के सबसे प्रचंड बहुमत से राजीव गांधी चुनाव जीत करके आए, 450 सीटों से संसद हिला के रख दी। हिंदू आउटफिट्स को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, सारे प्रयास विफल हो गए एक ही चोट में, इतनी बड़ी लोगों की सिंपति और राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत की इस सरकार में। राजीव गांधी हर्ष से, उल्लास से ओतप्रोत थे कि इतना प्रचंड बहुमत बिना हिंदू समाज के समर्थन के नहीं मिल सकता। तो अल्टीमेटली 1985-86 के बीच में राजीव गांधी पर फिर से दबाव बनाया गया कि पूजा करने की अनुमति दी जाए और बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए जाएं। राजीव गांधी लगातार इस प्रयास में थे, वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी खेल चल रहा था, कई तरह से उनके कई लिए गए निर्णय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बढ़ते हुए कर्जे, टेक्नोलॉजी के नाम पर उन्हें कई तरह के बाज़ार खोलने थे, तो बाज़ार को ओपन करना
आईटी के नाम पर रेवोल्यूशंस लाने की कोशिशें, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पे चलते हुए लगातार कर्जे, इन सारी चीज़ों की वजह से उन्हें बहुत से रिफॉर्म्स करने थे, बहुत से ऐसे साथी थे जो छोड़ रहे थे और जो बहुत से ऐसे नए साथी थे जो बन रहे थे। ऐसे में उन्हें एक बड़े समाज का साथ चाहिए था। ये सभी समाज अपनी एस्पिरेशंस राजीव गांधी में देख रहा था, उनसे उम्मीदें भी लगाए हुआ था और उनसे यह वचन भी चाहता था कि आप हमारे लिए ऐसा ग्राउंड फैसिलिटेट करा करके देंगे कि हम वहां पर एंटर होंगे। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के सामने याचिका जाती है। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज यह पूछते हैं कि क्या लॉ खुल जाने से किसी तरह से आपसी सौहार्द बिगड़ेगा तो नहीं, क्या दंगों की कोई ऐसी उम्मीद तो नहीं। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर सबके द्वारा हलफनामा दायर किया जाता है कि पूरी तरह से स्थितियां संतुलन में रहेंगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन हलफनामों में ऐसा कहा जाता है राजीव गांधी का दखल था और ये दायर करवाए गए थे प्रेशर के अंडर, प्रेशर ग्रुप्स के तहत। और इन हलफनामों के दम पर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहती है ताले खोल दिए जाएं, पूजा करने दी जाए। 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस निर्णय के तहत ताले खोले गए, पूजा की गई, दंगे भड़के। ये बड़ी बात है, परिस्थितियां हाथ से जाती रही, सिचुएशंस बिगड़ने लगी। आगे आगे राजनीति में बहुत बड़ा टर्बुलेंस आया, परिस्थितियां और बिगड़ने लगी। ऐसे में साइमल्टेनियसली श्रीलंका में चल रहा लिट्टे का कैंपेन, उसके अगेंस्ट चल रही राजीव गांधी की गतिविधियां और भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियां लगातार लगाती हुई आरोप कि राजीव गांधी हमारे हितों के विरुद्ध जा रहे हैं। ऐसे में 1989 हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा फिर से निर्णय आता है कि स्थितियों को स्टेटस को में कन्वर्ट किया जाए, जस का तस बना दिया जाए, ये अंदर एंट्री अर्चना नहीं होगी। सिचुएशन बदल चुकी थी, लाल कृष्ण आडवाणी अब फ्रंट पे आने वाले थे। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, 1984 के